नमस्कार दोस्तों, रानी गांव बॉयज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकी सेन और आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी द्वारा हटाई गई धारा 370 कश्मीर के अंदर, जिसके ऊपर हनुमान बेनीवाल ने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है, देखिए इस वीडियो में। मोदी जी लाए और हमारे उन हजारों नौजवानों ने आज वहाँ पे जो घूमने गए पर्यटकों को मारा, आतंकवाद का रास्ता जम्मू कश्मीर के मार्ग पर। और मैं धन्यवाद दूंगा अटल बिहारी की वाजपेयी की सरकार को, जब कारगिल का युद्ध हुआ तब किस तरह कश्मीर की सत्ता के माध्यम से आतंकवादी कैंप उस घाटी के अंदर खोल दिए गए और वहाँ की सरकारें पाकिस्तान की सरकार से मिलकर किस तरह आतंकी जनता को पना देती थी, आतंकवादियों को पना देती थी। मैं गृहमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, उन आतंकियों की सुरक्षा हटाई और उन्हें जनता के सामने नंगा किया। और गृहमंत्री जी, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है ये कितनी फड़फड़ाहट कर रहे हैं, इनकी फड़फड़ाहट इस देश की जनता मिटा देगी। ये कांग्रेस जो इस कोने के अंदर बैठी है अगली बार 5 की संख्या के अंदर बैठी आएंगे। इस धारा 370 को हटाने का, 35 को हटाने का और जम्मू कश्मीर को अलग केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश करने का जो आपने ऐतिहासिक निर्णय लिया, अब भारत का आम जवान और मैं इसमें सोने में जाकर धन्यवाद दूंगा कि किस तरह हमारे बच्चे घर की भावना पहली बार देखी। मैं तिरुपति गया था तब ऊपर कितने लोग खड़े थे, भारत के अंदर महसूस हो रहा है, एक मतलब भारत में महसूस हो रहा है कि हम भारत के अंदर है। पहले कांग्रेस से हिंदी नॉन हिंदी का इसी तरह कि हिंदी बोलेगा ये वो बोलेगा, तेलुगु हिंदी इनको लड़ाया आपस में, नक्सलवाद आतंकवाद पंजाब का आतंकवाद। मैं बैन सिंह जी की शहादत को भी भूलकर याद करूंगा कि उन्होंने पंजाब का आतंकवाद खत्म करने के लिए अपने प्राण जोत किए और हमारे कई भाइयों ने, कई किसान के बेटों ने इस बॉर्डर पर और आतंकवाद नक्सलवाद माओवाद जो कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियां लेकर आई थी, आज इस देश के अंदर खत्म हुआ तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने इनके मुंह बंद कर दिया और तमाम उन आतंकियों को सोचने में मजबूर कर दिया कि भारत की सरजमीन पर अब सर छुपाने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। अच्छा स्वागत है गृहमंत्री जी को, बारम्बार धन्यवाद। और कल के दिन और आज का दिन पूरा देश जश्न मनाया, एक गांव का जब जश्न नागौर के अंदर पर जनता करती थी, वहाँ गांव से टेलीफोन आया कि साहब आप आओ, मैंने कहा तो घटना करके मैं मोदी लेके बैठा था कि साहब जश्न मन रहा है, मैंने कहा किस बात का, डीजे बज रहे हैं बच्चे नाच रहे हैं कि हिंदुस्तान को दूसरी आजादी मिली, धारा 370 गई, ये गांव जाने का अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति भी अमित शाह जी और मोदी जी को धन्यवाद देता। अब देश तो पूरा भरोसा है कि जिन मुद्दों को लेकर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी सत्ता कर रही है कि एक डेढ़ साल के अंदर ही सारे मुद्दे तो इस देश के 70 साल से कांग्रेस ने जो गंदगी पैदा की देश के अंदर, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।